हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्ट्स जिनके बारे में मास्टर कैडर के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम इनको कुछ इनके बारे में कुछ हमें अच्छे से याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, इनकी जो कुछ फेमस इनकी जो वर्क्स हैं, इनकी जो टर्म्स हैं, कुछ इन्होंने दी हैं, तो हम इनके आइडियाज़ उनको हम अच्छे से याद ज़रूर रखेंगे। पढ़ना है इसको एक बार अच्छे से, लेकिन बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है इनकी। जो मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ इतना ही सफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्डिनेंड डी सेशोर। इस ये तो हर पेपर में ही हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन है? एक स्विस लिंग्विस्ट हैं, सेम्योटिशियन हैं, फिलोसोफर हैं। ठीक है, नोटेबल आइडियाज़ क्या आइडियाज़ इन्होंने दिए? स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमें इन्होंने बताया, सेमियोलॉजी, लैंग पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है वो इन्होंने दिया, फर्डिनेंड डी सेशोर ने दिया है। सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर का जो हमारे सिलेबस में भी ये जो टॉपिक है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये फर्डिनेंड डी सेशोर के साथ एसोसिएटेड है। लिंग्विस्टिक साइन जो है ये भी फर्डिनेंड डी सेशोर के साथ ही एसोसिएटेड है। इनको हम बोलते हैं द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्या बोलते हैं हम इनको? द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो इनके बारे में हमने ये जो चीज़ें हैं हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव द नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की का फुल नेम है अवरम नोआम चॉम्स्की। अमेरिकन प्रोफेसर हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने क्या काम किया? पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये चीज़ें हम इनके बारे में याद रखेंगे। इनको हम बोलते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। अब यूजुअली क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है, द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स और द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। कई बार नोआम चॉम्स्की को हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखने का मैंने अब एक ट्रिक बना लिया, इससे मेरे को तो अब बिल्कुल भी नहीं भूलता है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ये है द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स और ये है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। अब इन दोनों में क्या अनकॉमन है? वो है मॉडर्न। ये जो वर्ड है मॉडर्न, एम से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम याद रखेंगे। मॉडर्न जो वर्ड है इसमें है बट इसमें नहीं है, तो अनकॉमन है ना ये, तो इसमें एम से ये जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है। अब एम जो है वो किसके नज़दीक है? एफ के नज़दीक है या फिर एन के नज़दीक है, है ना, ये हमें पता है। जो एम है वो एन के नज़दीक है। हम ए बी सी जब करते हैं तो एम एन ओ पी ऐसे होता है ना, तो एफ तो बहुत दूर है एम से, तो एम से हम याद रखेंगे मॉडर्न, और ये किसके नज़दीक होता है? एन के नज़दीक होता है। तो इससे हम याद रख लेंगे कि जो नोआम चॉम्स्की हैं वो द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं। ठीक है, और इनके जो कुछ वर्क्स हैं हमें याद रखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एनालिसिस, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। 1957 में इनकी बुक आई थी, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होगा कि जो नोआम चॉम्स्की उनकी एक बुक आई थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 में। इसके रिगार्डिंग पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। Aspects of the theory of syntax developed the idea of deep and surface structures. Deep and surface structures के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो ये जो सारा आइडिया है किसने दिया है? नोआम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ेलिग सैबटाई हैरिस। ये जो हैं ये कौन है? अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, मैथमेटिकल सिंटैक्टिशियन हैं, मैथडोलॉजिस्ट ऑफ साइंस। तीन चीज़ें हमें इनके बारे में याद रखनी है, अमेरिकन लिंग्विस्ट, मैथमेटिकल सिंटैक्टिशियन, मैथडोलॉजिस्ट ऑफ साइंस। बेस्ट नोन फॉर इनके वर्क जो है जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्कोर्स एनालिसिस एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज। तो ज़ेलिग हैरिस के लिए हमें ये जो चीज़ है वो याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ विलियम अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। विलियम अलेक्जेंडर स्टीवर्ट ये कौन है? ये भी एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, स्पेशलाइजिंग इन क्रियोल्स। क्रियोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे आया है, विलियम अलेक्जेंडर स्टीवर्ट से। नोन पर्टिकुलरली फॉर हिज वर्क इन अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश फील्ड्स। क्या काम किया इन्होंने? क्रियोल्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स का इन्होंने जो मेनली है काम किया, विलियम अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। विलियम लेबोव। विलियम लेबोव कौन है? अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, वाइडली रिगार्डेड
एज द फाउंडर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ वेरिएशनिस्ट सोशियोलिंग्विस्टिक्स। फाउंडर हैं ये, किसके फाउंडर हैं? डिसिप्लिन ऑफ वेरिएशनिस्ट सोशियोलिंग्विस्टिक्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है। किसके? विलियम लेवोव इज द फाउंडर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ वेरिएशनिस्ट सोशियोलिंग्विस्टिक्स। He has been described as an enormously original and influential figure who has created much of the methodology of sociolinguistics. इनको ज़्यादातर किस लिए जाना जाता है? ये एक influential figure हैं जिन्होंने क्या create किया? Methodology of sociolinguistics. ठीक है, ये founder भी हैं discipline of variationist sociolinguistics के, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है for the methodology of sociolinguistics.